हरा कर फाइनल में जगह बना ली, जहां खिताब के लिए उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। एक्स्ट्रा टाइम में क्रोशिया ने अपना दूसरा और मैच का तीसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को मात दे दी। यह पहला मौका है जब क्रोशिया फाइनल में पहुंचने पे कामयाब हुआ। इससे पहले क्रोशिया ने 1998 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का सफर तय किया था। अब क्रोशिया 15 जुलाई को खिताब के लिए फ्रांस से भिड़ेगा। वहीं इंग्लैंड शनिवार को तीसरे स्थान के मैच में बेल्जियम के सामने होगा। बात अगर मैच की करें तो तय समय में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर थी। इस वजह से मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया, जहां 190 मिनट में मारियो मांडजुकिच ने गोल कर क्रोशिया को जीत दिलाई। अब देखना ये होगा कि कौन होगा फीफा वर्ल्ड कप का बादशाह। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना।